अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पेपर को कठिन से कठिन बनाने की तैयारी। तो दोस्तों उससे पहले बात करेंगे, सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस समय दीपावली का पर्व आ चुका है, तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों सभी बच्चों की दिवाली ढेर सारी अच्छी हो और आप लोग यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट यूपी टीईटी का पेपर नए विशेषज्ञ करेंगे तैयार। 2019 की प्रश्नावली को लेकर मंथन तेज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आखिर हो क्या रहा है यूपी टेट में। ठीक है दोस्तों, देखिए यूपी टेट से होकर ही आपकी नौकरी का रास्ता जाएगा। अगर आपको लगता है कि बिना यूपी टेट के आप नौकरी पा सकते हैं तो ये आपकी एक भूल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अब यूपी टेट का 1/4 अंक का गुणांक भी आपके पेपर में लिया जाएगा। दोस्तों ये एक बड़ी खबर है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। पहले दोस्तों होता क्या था, यूपी टेट या सी टेट को सिर्फ पास कर लीजिए आपको नौकरी मिल जाती थी, लेकिन दोस्तों अब पास करने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पूरी खबर क्या है दोस्तों इसको देखते हैं। पहले नए विशेषज्ञ करेंगे टीटी का प्रश्न पत्र, ठीक है ना, तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 की प्रश्नावली को लेकर मंथन तेज हो गया है। परीक्षा संस्था इस बार प्रश्न पत्र तैयार करने में प्रयागराज का दायरा तोड़ सकती है। सिर्फ स्थानीय ही नहीं, अन्य शहरों के चर्चित विषय विशेषज्ञ से परीक्षा का पेपर बनवाने की योजना है। साथ ही विशेषज्ञ का एक सेमिनार कराकर उनमें संभावित प्रश्नों की सूची ली जा सकती है, ताकि पेपर आउट और प्रश्नों के गलत जवाब की गुंजाइश ही ना रहे। यूपी टीटी के लिए शासन ने 17 अक्टूबर को ही आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा 22 दिसंबर को होनी है और परिणाम 21 जनवरी 2020 को आएगा। नए नियमों के अनुसार प्रश्नों पर आपत्ति करने की प्रतियोगी को प्रति प्रश्न ₹500 भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को हमने जैसा बताया कि भाई ₹500 अब देना पड़ेगा, यदि आपत्ति सही निकली तो धन वापस हो जाएगा, लेकिन गलत निकलती तो दोस्तों आपका पैसा वापस नहीं होगा। यह प्रावधान करने के साथ ही परीक्षा संस्था ऐसा पेपर बनवाना चाहती है जिसमें प्रश्न का एक ही जवाब हो, साथ ही प्रश्न या फिर उत्तर किसी भी तरह का सवाल न उठे। इसके लिए दोस्तों चुनिंदा विशेषज्ञ की जगह दायरा बढ़ाया जा सकता है, अन्य शहरों के चर्चित शिक्षकों को भी प्रश्नावली तैयार करने को मिल सकता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, पेपर को कठिन बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो हर जिलों से विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है, उसका एक सेमिनार कराया जाएगा, जिससे कि आपका पेपर ऐसा बनाया जाए दोस्तों कि आप लोग सोचे कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे। अभी तक क्या होता था दोस्तों, आपका पेपर सिर्फ प्रयागराज से तैयार होता था, तो समझ रहे होंगे कि भाई यही सब टीचर है यार, यही सब सोच है इनकी यहाँ तक। जब दोस्तों नए टीचर्स आते हैं तो उनकी नई सोच मिलती है। देखिए सिंपल सी बात है, जहां पर चार अलग लोग अलग जिलों से आते हैं तो वहां पर चार नई बातें होती हैं, तो आपको नए तरह का प्रश्न पत्र मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग हर एक टीचर का एक एक क्वेश्चन भी सिलेक्ट हो जाता है तो मतलब आपके टोटल 150 प्रश्न आते हैं, और दोस्तों टोटल 150 टीचर ने मिलकर ये पेपर बनाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोग अपना एक बेस्ट क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा। दोस्तों बेस्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसको लगना चाहिए यार कि हमारा जो क्वेश्चन हो वो काफी हटकर हो और काफी अच्छा क्वेश्चन हो और यूनिक हो। यूनिक का मतलब दोस्तों ये होगा कि आपका किसी किताब से वो ना मिले क्वेश्चन, मतलब सिलेबस के अंदर ही होगा लेकिन किताबों में ना मिले, ठीक है, मतलब घुमाकर पूछा जाए। सिंपल सी बात आप समझ रहे होंगे कि जैसे हमने बताया था कि आपको 2+2=4 होता है, लेकिन दोस्तों इसको यूनिक बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 999 × 2, ठीक है, माइनस का जैसे करके दोस्तों 199 × 5, या जैसे दोस्तों कठिन से कठिन बना के, लेकिन इसका आंसर हमारा 4 है, ऐसा दोस्तों हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों और चीजें जोड़ घटाकर, लेकिन हमें आंसर तो 4 ही लाना है। तो दोस्तों यही होता है यूनिक पेपर बनाना, मतलब आपके सिलेबस के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिससे कि आप लोग उतनी आसानी से उसको ना कर सके। तो दोस्तों एक ये बड़ी अपडेट्स हो सकती है कि नए विशेषज्ञ को भाई पूरी तैयारी हो चुकी है कि आपका यूपी टेट का पेपर बनाया जाए और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से जो कि एक हटकर हो और अच्छा क्वेश्चन हो। अगर दोस्तों आप बस वही हमने जैसा बताया कि अगर 150 टीचर मिल जाते हैं, सभी का एक एक प्रश्न भी सिलेक्ट हो जाता है, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना अच्छा होगा। पेपर देखिए दोस्तों अच्छा ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बहुत कठिन हो कि आप लोग कुछ ना कर पाए, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हाँ यार, अगर देखिए सिंपल सी बात क्या होती है, अगर आप एक टीचर से सिर्फ एक अध्यापक दोस्तों अगर पूरा प्रश्न पत्र बनाता है ना, तो आप लोग उसके क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं। देखिए किसी इंसान का दिमाग उतना नहीं होता है कि आप उसको गेस ना कर पाए, आराम से पकड़ सकते हैं। अगर रोज हमारी आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम आगे क्या बोलने वाले। तो वैसे दोस्तों अगर एक टीचर ही हर बार पेपर बनाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अगला प्रश्न पत्र वो क्या तैयार करेगा। जब दोस्तों हर अलग अलग टीचर्स होंगे तो आप लोग उसको गेस करना मुश्किल होगा। तो दोस्तों इस बार आपको जो तैयारी करनी है काफी उच्च दर्जे की करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट आई थी वो भी आप देख सकेंगे, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर मिलते हैं
और वीडियो को लास्ट में, ठीक है, वीडियो को लास्ट में मिलते हैं कि यूपी टेट 2019 डीएड और बीएलएड प्रशिक्षित भी टीटी में कर सकेंगे आवेदन। डीएलएड तीसरे चौथे सेमेस्टर में शामिल प्रशिक्षु भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों ये आई है आपके न्यूज़पेपर से खबर, तो दोस्त इसको हम पूरा देखेंगे। उससे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आपके 68,500 शिक्षक भर्ती में चौथे चक्र के आवेदन का इंतजार, शासन से नहीं मिली मंजूरी, बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, आपके 68,500 एक शिक्षक भर्ती थी, अगर जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी करे तो उन्हें पता होना चाहिए। तो दोस्तों 69,000 से पहले आपकी एक शिक्षक भर्ती आई थी 68,500, ठीक है। तो इसी का इंतजार आपको भी रहेगा कि जब आप यूपी टेट या सी टेट पास कर ले तो ऐसे ही कोई बड़ी भर्ती आपके सामने देखने को मिले। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है, 68,500 लोगों को जिसमें नौकरी दी गई थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं दोस्तों, इसमें सिर्फ 1,25,000 बच्चे ही आवेदन किया था। सोचिए नौकरी आपकी 68,500 और आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 1,25,000। तो ये होती है किस्मत, जो दोस्तों अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अब तो बीटीसी और बीएड के दोनों छात्र होंगे। 10 लाख बच्चे आवेदन करेंगे, 10,000 वैकेंसी भी कुछ ऐसा आपके सामने होगा। क्योंकि देखिए एक बात और बताते हैं यार, जो ये बड़ी वैकेंसी आप देख रहे थे ना 68,500, ये शिक्षा मित्रों का समायोजन था। 1 लाख शिक्षा मित्रों को तत्कालीन, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही सबको नौकरी से तुरंत हटा दिया गया था। दोस्तों जो उनको अच्छी खासी 40,000 सैलरी मिल रही थी, तो 40,000 से दोस्तों वो अपने फिर से मूल वेतन पर आए। लेकिन उसके बाद सरकार ने उसको बढ़ाकर इस समय 10,000 रुपये प्रति शिक्षा मित्र रखा है ना सैलरी, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर आज की कि पीजीटी रिजल्ट और आंतर की, ठीक है, टीजीटी और दोस्तों पीजीटी दोनों का रिजल्ट और आंतर की देखने के लिए आप लोग हमारे दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दे दिया है, तो वहां से आप लोग अपना टीजीटी पीजीटी ये सब जो भी चीजें हैं उसको आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, तो अच्छी चीजें रहेगी। तो बैठे बैठे दोस्तों आप लोग आसानी से अपना टीजीटी पीजीटी सब देख लीजिए अगर आपने पेपर दे रखा हो। देखिए एक चीज और बता दें, तो यहाँ डीएलएड के बच्चों को एक और झटका लगेगा, शायद उनको ना पता हो, तो टीजीटी और पीजीटी, ठीक है दोस्तों, जो इसका रिजल्ट आंतर की आ रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मौका जो मिलेगा ना वो डीएलएड के छात्रों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इसमें मौका दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके बीएड के बच्चों को, छात्रों को। तो दोस्तों यही पर झटका सबसे बड़ा लगता है, इसीलिए बच्चे हमेशा आंदोलन विद्रोह किया कि नहीं यार हमें भी बीएड के साथ बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, यहाँ सिर्फ बच्चों को, सिर्फ बीएड के छात्रों को टीजीटी पीजीटी का मौका मिलेगा और बीएड के छात्रों को दोस्तों सुपर टेट का भी मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बीएड के छात्रों को यूपी टेट का भी मौका मिलेगा, सी टेट का भी मौका मिलेगा, मतलब बीएड के छात्रों को सब कुछ मिलेगा और यू जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों यूपी टेट के नियमों में बड़ा बदलाव देखें पूरी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तब काफी चीजें आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। एक और दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो रेड कलर के बटन है उसको हल्का सा टच करना है और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं ये वाली खबर क्या आई है आज, कि किन बच्चों को आवेदन करने का मौका मिल रहा है और किन बच्चों को नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले यूपी टेट में इस बार डीएड और बीएलएड प्रशिक्षित भी आवेदन कर सकेंगे, इस आशय का निर्देश सचिव परीक्षा नियामक के प्रस्ताव पर शासन की ओर से जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड और 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष के साथ शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिप्लोमा बीएलएड होना पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ डीएड और डीएलएड के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल प्रशिक्षु भी कर सकेंगे आवेदन। तो दोस्तों ये बात हो रही है, अगर आप लोग लास्ट ईयर में आ चुके हैं, फाइनल ईयर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए एक और बात दोस्तों, यूपी टेट प्राथमिक के लिए आवेदन करने के लिए स्नातक परीक्षा पास तथा एनसीटी से संबद्ध संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी अंतिम वर्ष में शामिल अथवा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक ने स्पष्ट किया है कि डीएलएड तीसरे अथवा चौथे सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्नातक में 50% अंक के साथ बीएड अंतिम वर्ष में, देखिए दोस्तों स्नातक में 50% अंक के साथ अगर आप बीएड के लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो शामिल अथवा पास अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए अहर है। स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विधि से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा पास अभ्यर्थियों को यूपी टेट में मौका मिलेगा। विवि से स्नातक के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विवि से, ठीक है, 11 जून 1997 से पूर्व के मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक उर्दू शिक्षक के लिए
आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो रही है। सचिव परीक्षा नियामक की ओर से आवेदन की प्रक्रिया 1 से लेकर 21 नवंबर के बीच होगी। यूपी टेट आपका पेपर 22 दिसंबर को होगा, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और बता दें आपको दोस्तों, जैसे कि 1 से लेकर 2 से, लेकिन आवेदन आपका 20 तक होगा। उसमें एक दिन शायद आपका जो फीस नहीं होता सबमिट करने के लिए वो एक्स्ट्रा मिलता है। और उसके बाद दोस्तों आपका 21 जनवरी 2020 को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों कुछ चीजें महत्वपूर्ण समझ लीजिए, इस बार आपको एक क्वेश्चन का अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो प्रति क्वेश्चन ₹500 देना पड़ेगा। देखिए जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है, इस तरह समझिए आप लोग कि जैसे अगर आपको लगता है कि यार आपका आंसर तो सही है, आपने किताब में यही पढ़ा था और यही आंसर होना चाहिए, और जो वहां पर उत्तर माला जारी हो दोस्तों या आंसर की जारी हो वहां पर उसका आंसर कुछ और दे रखा हो, तो दोस्तों अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से ₹500, अगर आपने 10 क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो ₹5,000 आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें एक अच्छी बात ये रहेगी ना, जो बच्चे सही होंगे, अगर आपका जो भी आपने ऑब्जेक्शन किया अगर वो सही निकलता है तो आपके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ये मत सोचिए कि तुरंत ही आपका पैसा वापस होगा, तो ये दोस्तों दिक्कत रहेगी आपके साथ। तो दोस्तों इन विशेष बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यार कैसे क्या करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे आपके 68,500 शिक्षक भर्ती में चौथे। देखिए आप लोग हमेशा शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज तो कभी आपको छोड़ना ही नहीं, अगर आप लोग यूपी टेट के छात्र हैं। देखिए अगर जो बच्चे यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनको हमेशा शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी अपडेट्स उनके पास होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग यूपी में रहते हैं और यूपी की इतनी बड़ी वैकेंसी के बारे में दोस्तों अगर आपके पास अपडेट ना हो तो फिर दोस्तों आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि हर हमेशा नए नियम नए कानून आते जा रहे हैं, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना है, ठीक है। 68,500 शिक्षक भर्ती में चौथे चक्र के आवेदन का है इंतजार। तो दोस्तों देखिए प्रसिद्धीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले गैर राज्य से डीएलएड व समकक्ष डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार है। इन अभ्यर्थियों को भर्ती में अवसर देने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने तकरीबन 4 महीने पहले प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। 68,500 शिक्षक भर्ती 9 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, 27 मई को लिखित परीक्षा हुई थी और 13 अगस्त को 2018 को परिणाम जारी हो गया। तो दोस्तों इसमें 41,556 अभ्यर्थी सफल थे। भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन के 5 साल पहले से यूपी का निवासी होना अनिवार्य था। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई भी भर्ती आती है यूपी में तो वो शर्त इसलिए लगाई जाती है दोस्तों कि इसमें यूपी के बच्चों को ज्यादा मौका मिल सके। अगर आप यूपी में रहते हैं और यूपी की वैकेंसी अगर यूपी के बच्चों को ही प्राथमिकता ना मिले फिर दोस्तों वहां दिक्कत होती, फिर बच्चे बोलेंगे यूपी सरकार या हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। तो दोस्तों आपकी सरकार ने आपके लिए यही सब करती कि आपको जो भी नौकरी है उसमें आपको प्राथमिकता देना हर एक सरकार का उत्तरदायित्व है। अगर आप बिहार में रहेंगे तो दोस्तों आप बिहार सरकार अपने बच्चों को ध्यान देगी, यूपी की सरकार अपने बच्चों को ध्यान देगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार का एक उत्तरदायित्व है कि देश के हर एक छात्र को समान रूप से देखे, लेकिन दोस्तों राज्य सरकार का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि वहां के जो छात्र हैं बेरोजगार बच्चे हैं उन्हें घर से बाहर जाने का नहीं देना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि सभी बच्चे अगर अपना राज्य छोड़ के बाहर चले आएंगे तो फायदा क्या होगा उस राज्य का, तो ये बात समझिए दोस्तों कि उनको टैक्स कहाँ से मिलेगा। अगर सभी छात्र अपने यूपी से छोड़कर या बिहार में रहने वाले आप हैं तो अगर आप लोग छोड़कर निकल जाते हैं यूपी बिहार, अपना घर दिल्ली में रहते हैं बम्बई में रहते हैं, तो दोस्तों वहां पर वहां की सरकार को ज्यादा फायदा दिल्ली और बम्बई को, ठीक है। तो वही सब चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली या मुंबई कहीं भी आपको जाना है तो ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आप तैयारी बहुत अच्छे से उच्च लेवल पर आपको शुरू कर देना है कि यार जब अब आपका यूपी टेट का पेपर हो। देखिए क्या, और आपको बता दें कि इस बार यूपी टेट के नियमों में बड़ा बदलाव क्या है उसको समझ लीजिए आप लोग, नहीं तो कहेंगे यार इसमें बताया नहीं गया कि वीडियो में क्या क्या बड़ा बदलाव है क्या। सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों यही है कि आपका पेपर को कठिन बनाने की पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सोचा गया कि यार इस बार पेपर आपका हार्ड से हार्ड बनाया जाए। हार्ड इसलिए दोस्तों बनाया जा रहा है क्योंकि यार आप लोग यूपी टेट को सबसे ज्यादा आसान समझते हैं, सी टेट और यूपी टेट। दोस्तों सभी बच्चे से पूछिए 2018 में जिन्होंने पेपर दिया होगा उन्होंने कहा होगा यूपी टेट आसान आता है, सी टेट कठिन आता है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि यूपी टेट बहुत आसान आता है, लेकिन इसीलिए दोस्तों सोचा गया इस बार कि सिलेबस को और चेंज नहीं करेंगे, सिलेबस दोस्तों वही रहेंगे, ठीक है। सिलेबस देखिए दोस्तों चेंज किए बिना भी अगर पेपर को कठिन बनाया जा सकता है तो वो दोस्तों पूरा तकनीक इस बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा।
और पेपर हो सकता है कि ज्यादा कठिन भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना कि पेपर कितना भी कठिन क्यों ना है, आप लोग उसके लिए पहले से रेडी रहेंगे तो दोस्तों आप लोग डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, और जो भी दोस्तों पेपर है उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, और जिन बच्चों को ये सब रिजल्ट देखना होगा टीजीटी पीजीटी वाला, आप लोग हमें ठीक है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करें, उसको रिजल्ट देख सकते हैं। और दोस्तों यूपी टेट के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल आपको अप करना है, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे को अगर मौका दिया जा रहा है तो उन बच्चों को दोस्तों एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि उस मौके का फायदा उठाए, ठीक है दोस्तों। अगर जैसे बीएड के छात्रों को पहले मौका नहीं दिया जाता था और जिन बच्चों को नहीं मिलता था, अगर आज उनको मौका मिल रहा है तो उनको है कि भाई मौके पर चौका मारना उनका पहला काम होता है, ठीक है। अब बीएड के छात्र ने दोस्तों देखिए इस बार द्वितीय सेमेस्टर में काफी बच्चों ने गलतियां कर दी सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों, और 50,000 से ज्यादा बैक आ गए। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों की नींद उड़ गई, चाहे उनके जूनियर बच्चे हो चाहे उनके सीनियर बच्चे हो। तो 50,000 से ज्यादा बैक आना मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है किसी भी पेपर में दोस्तों, की 50,000 बच्चे फेल हो जाते हैं तो एक बड़ी बात तो है, समझ रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि यार इतने ज्यादा बच्चों की बैक आखिर आ क्यों रही है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं डीएलएड में आए या आपके बीएड के छात्र हैं, तो आप लोग दिन रात एक करिए, और यूपी टेट में आपको टारगेट लेकर चलना है कि भाई पासिंग मार्क आपके भले ही 82 और 90 नंबर ही हो, ठीक है, 82 90 कभी कभी 83 90 कर दिया जाता है इसको, दोस्तों ये याद रखना है, ठीक है। वैसे 82 90 मैक्सिमम रहता है, नहीं तो कभी कभी ये कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, तो आपको हमेशा सही ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज याद रखना है, आपको 1/4 अंक वाला जो मैटर होता है, 1/4 अंक का गुणांक, ठीक है, मतलब दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे बोला गया कि शिक्षक भर्ती होगी तो दोस्तों यूपी टेट और सी टेट का 1/4 नंबर लिया जाएगा, तो ये सब बात आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग 82 90 नंबर लाते हैं उसके बाद 1/4 निकालेंगे तो काफी कम रहेगा, अगर एक बच्चा 120 130 140 तक पहुंचेगा तो वो काफी आपको पीछे छोड़ देगा, तो समझ लीजिए आप उससे कंपटीशन करना लगभग नामुमकिन होगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और दोस्तों अभी से आपको हैप्पी दिवाली, ठीक है, हर एक बच्चे को हैप्पी दिवाली।